दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का कितना योगदान था। ज़्यादातर हम सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएंगे जिनका नाम हमारी किताबों में देखने को नहीं मिलता और ना ही ज़्यादातर लोग इन वीरों के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश का नागरिक होने के नाते यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको इन महान लोगों के बारे में बताएं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन वो तब भी गुमनाम है। मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 में हुआ था। वह शुरू से ही बहुत निडर और निर्भीक क्रांतिकारी थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कई आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनमें से भारत छोड़ो और असहयोग आंदोलन मुख्य थे। एक जुलूस के दौरान उन्हें 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 3 गोलियां लगने के बाद भी भारतीय झंडे को पकड़कर उन्होंने अपना मोर्चा जारी रखा। गोली लगने के बाद भी उन्होंने वंदे मातरम के नारे लगाए। वह अपने हाथ में तिरंगा फहराते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। भारत में स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित कोलकाता में स्थापित पहली महिला मूर्ति 1977 में मातंगिनी हाजरा की ही थी। सेनापति बापटी। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, सेनापति पांडुरंग महादेव बापट को लोकप्रिय रूप से सेनापति बापट के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1880 को हुआ था। सेनापति बापट का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुलसी सत्याग्रह के नेता होने के कारण उन्हें सेनापति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1921 को सेनापति बापट ने टाटा कंपनी द्वारा बनाए मुलसी बांध के निर्माण के खिलाफ किसानों के साथ विरोध किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर सेनापति बापट को पहली बार पुणे शहर पर भारतीय ध्वज फहराने का सम्मान दिया गया। 28 नवंबर 1967 को उनका निधन हो गया। अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था। वह एक निडर भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, हालांकि उनके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। जब वह 33 वर्ष की थी तो उन्होंने 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा फहराते हुए बड़ी प्रमुखता हासिल की थी। अरुणा असफ अली में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम भावना थी। जैसे ही उनकी शादी हुई उसके बाद वह कांग्रेस पार्टी की सक्रिय सदस्य बन गई। उन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जुलूसों में भी भाग लिया। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की होस्टिंग की। 29 जुलाई 1996 को इनका निधन हो गया। भिकाजी कामा। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भिकाजी कामा स्वतंत्रता आंदोलन की हिस्सा थी और उन्होंने भारत जैसे कट्टर देश में सेक्सुअल इक्वालिटी जैसी बात भी उठाई। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन भी किए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर सामने भी आई। भारत में कई सड़कों और पुलों के नाम भिकाजी कामा के नाम पर रखे गए हैं। भिकाजी कामा ने अपना अधिकांश व्यक्तिगत और सामान भी अनाथ लड़कियों के लिए एक अनाथालय में दान कर दिया। 1907 में उन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिज्म सम्मेलन में भारतीय झंडा फहराया और 13 अगस्त 1936 को इनका निधन हो गया। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ और इन्हें फांसी 11 अगस्त 1908 में दे दी गई। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय।